करनाल के इंद्रिक की अनाज मंडी में जीरी की खरीद नहीं होने से खफा किसानों व आढ़तियों ने करनाल यमुनानगर स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार व मार्केट कमेटी सचिव के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। उन्हें समझाने के लिए पहले डीएसपी व तहसीलदार दर्पण काम्बोज आए, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने। उसके बाद एसडीएम सुमित सिहाग मौके पर पहुंचे और किसानों एवं आढ़तियों के प्रतिनिधि मंडल से बैठक कर मांगों पर आश्वासन दिया। तुरंत अनाज मंडी के गेट खोल दिया गया, किसानों के गेट पास काटने शुरू कर दिए गए, फिर प्रदर्शनकारियों ने जाम खोल दिया। 3 घंटे से ज्यादा समय रोड जाम रहा। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा और वाहनों को दूसरे रास्ते से निकाला गया। किसान व आढ़तियों का आरोप है कि धान की खरीद का जो नियम बनाए गए हैं वह सही नहीं है। एसडीएम सुमित सिहाग ने कहा कि किसानों व आढ़तियों ने जाम लगा दिया था, जीरी की खरीद परचेज नहीं लिखवाने के बारे में ऐसा मामला यहां बताया गया है। किसानों, आढ़तियों, मोजिस लोगों, मंडी सचिव व परचेज एजेंसी के अधिकारियों के साथ बैठक की गई। आपको बता दें कि किसानों व आढ़तियों की मुख्य मांग थी कि परचेज यदि शुरू होती है तो लिफ्टिंग कब होगी। दूसरा मुद्दा था कि करनाल इंद्री रोड पर मंडी के फिलहाल 2 गेट शुरू किए गए हैं और पुलिया वाले गेट को अभी बंद किया गया है। इस दौरान किसानों की इन समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया गया। वहीं कुछ किसानों व आढ़तियों ने मार्केट कमेटी सचिव के व्यवहार पर सवाल उठाए हैं। उधर सचिव को सख्त हिदायत दे दी गई है कि आगे से ऐसी कोई शिकायत ना आए और खरीद सीजन में खासतौर पर सभी किसानों व आढ़तियों को सहयोग करें। यदि सचिव की दोबारा शिकायत आती है तो कार्यवाही की जाएगी। एसडीएम ने कहा कि बिजली, पानी व शौचालय आदि की व्यवस्था के लिए सचिव व विभाग के अधिकारी को बोल दिया गया है। उन्होंने कहा कि अनाज मंडी के गेट पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, किसान व आढ़ती ने जाम खोल दिया है और परचेज लिखवाई जाएगी। इंद्री से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। हम सुबह जाम लगाया था, एक तो हमारी जो पिछली मंडी में जीरी पड़ी हुई थी उसके ऊपर था भी हमारी ये सबसे पहले परचेज होनी चाहिए, उसके बाद नया शेड्यूल आए। तो हमें अब एसडीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है भाई जो उसकी 3-4 दिन का शेड्यूल बन जाएगा, जो पिछली जीरी है उसकी मैपिंग करा देंगे और वो 3 या 4 दिन में आपकी जीरी चली जाएगी। आज जो जीरी की 29 तारीख का जो मैसेज किसानों पर आया हुआ है 160 कह रहे भी किसानों पर आया हुआ है, उसकी आज ये खरीद चालू कर लेंगे। और हमें ये भी दिया है भी आपकी 14 घंटे में लिफ्टिंग कर देंगे, कल 10 बजे तक जो आज जीरी खरीदेंगे उसकी उठवा लेंगे, हमें ये आश्वासन दिया गया है। 17 मोक्षर से नीचे 17 मोक्षर पे जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स है उसमें जीरी खरीदेंगे, ये आश्वासन हमें दिया गया है। तो मार्केट कमेटी सचिव के खिलाफ भी किया था कि भाई वो व्यवहार ठीक नहीं है। हाँ, उसकी तो ऑलरेडी हमने पहले कल भी बताया था एसडीएम साहब को, आज फिर आपके मीडिया के रूबरू भी हमने ये बात कही थी भाई इसका व्यवहार गलत है, तो आज उसने माफ़ी भी मांगी है। इब आगे अगर उसका व्यवहार नहीं गलत है तो इसको ट्रांसफर होना चाहिए, सस्पेंड होना चाहिए। अगर नहीं अगला अपना ठीक करता है तो ठीक है, हमें क्या राइस मिलर के साथ क्या बातचीत चल रही है वो हमें नहीं पता, हाई लेवल की बात है। राइस मिलर के साथ तो ये एसोसिएशन को, राइस एसोसिएशन को पता होगा या सरकार को पता होगा, अभी तक तो राइस का कोई आया नहीं। जो एजेंसी आएगी हमें तो उसकी जिम्मेवारी ली भैया, हमारी 12-14 घंटे में आपने लिफ्टिंग करनी, हम गठती के जिम्मेवार नहीं है, वो इन्होंने दिया हमने रास्ता खोल दिया। यदि लिफ्टिंग नहीं हुई इतने देर इस दौरान, फिर नहीं लिफ्टिंग होगी कल फिर हम बंद कर देंगे, फिर जाम लगा देंगे। जी सर, हाँ जी सर, किसानों और आढ़तियों ने आज जाम लगा दिया था, धान की खरीद का कोई मामला था जैसा कि आपके संज्ञान में है। यहाँ पर कुछ किसान भाई और आढ़ती भाई हैं, उन्होंने यहाँ पर जाम लगा दिया था और खरीद परचेज ना लिखवाने के बारे में ऐसा यहाँ पर बताया गया था। तो अभी आढ़तियों के और किसानों के पदाधिकारी और कुछ मौजूद आदमियों के साथ सेक्रेटरी मंडी, डीएमईओ और परचेज एजेंसी, हमने मिलकर यहाँ पर मीटिंग की है। उनकी जो मांग थी, जिनमें से मुख्य मांग थी कि भाई परचेज अगर शुरू होती है तो लिफ्टिंग कब होगी, हाँ जो प्रमुख मांग ये थी कि परचेज अगर शुरू होती है, वो परचेज इसलिए लिखवा रहे थे क्योंकि उनको लिफ्टिंग पे डाउट था। तो लिफ्टिंग परचेज एजेंसी, आज फूड सप्लाई की तरफ से इंस्पेक्टर यहाँ मौजूद थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप परचेज लिखवाइए और तुरंत आज ही ये जो लिफ्टिंग स्टार्ट कर दी जाएगी, टाइमली लिफ्ट कर दिया जाएगा। दूसरा उनका पॉइंट था कि मंडी के 2 गेट चालू किए गए हैं करनाल इंद्री रोड पर, जो पीछे पुलिया वाला गेट है उसको अभी बंद किया गया है। ये हमें आदेश थे
कि इसको बंद करना है। जैसे जैसे मंडी में आवक बढ़ती जाएगी, इस प्रकार से हम दो चार दिन में या जैसे भी आवक जैसे ही बढ़ती जाएगी उस हिसाब से हम मौका का मुआयना करके उस गेट को खुलवा देंगे। तीसरा पॉइंट ये था कि जो आज से शेड्यूलिंग स्टार्ट हुई है तो उनके गेट पास कट रहे हैं और उनकी खरीद लिखी जाएगी। जो पहले यहाँ पर माल आवक आई हुई है, जीरी आई हुई है, उनके बारे में इनका था कि उनकी उसकी खरीद कब होगी, तो उस बारे में यहाँ सेक्रेटरी मंडी और डीएमईओ को से बात की है। उन्होंने यहाँ बताया है कि पुरानी जो आवक है उसका यहाँ पर सारा रिकॉर्ड रखा जाएगा, कौन मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर रजिस्टर्ड है, और उसका सारा रिकॉर्ड बनाकर उच्च अधिकारियों से बात की जाएगी ताकि उसकी भी शेड्यूलिंग तुरंत हो और उसकी भी खरीद तुरंत की जा सके। राइस मिलर्स की बैठक जो है उच्च अधिकारियों के साथ चल रही है और बहुत ही जल्द उसका जो है कोई ना कोई फैसला आने वाला है और जो पूरा धान खरीद सीज़न है उसको स्मूथली चलाया जाएगा। मैं बताया था सेक्रेटरी मार्केट कमेटी को सख्त हिदायत दे दी है कि आगे से इस प्रकार की कोई भी शिकायत ना आए और खरीद सीज़न में ख़ास तौर पे सभी किसानों और आढ़तियों का सहयोग करें ताकि जो है खरीद सीज़न बहुत स्मूथली चले। अगर इस तरह की शिकायत आती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो किसानों के लिए पानी की व्यवस्था है यहाँ पर कोई जी? बिल्कुल, अभी सेक्रेटरी और डीएमईओ दोनों यहाँ मौजूद थे, दोनों को बता दिया है लाइट पानी और टॉयलेट की पूरी व्यवस्था करें, किसी भी किसान आढ़ती को किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। नहीं, अभी तो फिलहाल मीटिंग में इसी प्रकार की बात की गई है, लेकिन अगर कोई और आरोप भी अगर लगाता है, किसी प्रकार के आरोप लगते हैं, तो उसकी जांच करवा कर कार्रवाई की जाएगी। गेट पे सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे और सिर्फ उन्हीं के थ्रू आपको पता लगेगा कि जो भी गेट पास आ रहे हैं और किसी भी प्रकार की कोई चोरी या किसी प्रकार का भी कोई जो है इलीगल काम नहीं हो। जाम खोल दिया किसानों ने, जाम खोल दिया किसानों ने और अब जो है परचेज लिखवाई जाएगी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.